नमस्कार दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल आज मेजबान भारत और पांच बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और वहीं टॉस 1:30 पर होगा। दोनों टीमें दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ेंगी। इनके बीच 2003 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी हुआ था, तब कंगारू 125 रन से जीते थे और यह मौका है कि भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले भारतीय टीम 1983, 2003 और 2011 के फाइनल में पहुंची थी, इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 में से 5 फाइनल जीती है। ऑस्ट्रेलिया पिछले 27 साल से वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं हारा है। टीम ने पिछले 24 साल में अपने सभी 4 फाइनल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में आखिरी हार 1996 के विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ मिली थी। हेड टू हेड और हालिया रिकॉर्ड दोनों टीमों का, दोनों टीमें आखिरी बार इसी वर्ल्ड कप के 5वें लीग मैच में आमने सामने हुई थी, तब मुकाबला चेन्नई में खेला गया था। इस मैच में भारत को 6 विकेट से जीत मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 वनडे खेले गए हैं। भारत ने 57 और ऑस्ट्रेलिया ने 83 मैच जीते हैं। 10 मैच बेनतीजे रहे हैं। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अजय है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 में इकलौती ऐसी टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है, यानी एक भी मुकाबला नहीं हारा है और वह सभी मैचों में जीतता हुआ आ रहा है। टीम लीग स्टेज में सभी 9 मैच जीती है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया और अफगानिस्तान को 8 विकेट से, पाकिस्तान को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही 7 विकेट से हराया। इसके साथ आपको बताएं कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही थी और टीम को पहले ही मुकाबले में मेजबान भारत के खिलाफ हार मिली थी। अगले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को साउथ अफ्रीका ने 134 रन से हराया था। 2 लगातार हार के बाद कंगारू टीम ने कम बैक किया और अगले 7 मैच जीत लिए। टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया और फाइनल में जगह बनाई। और दोस्तों आपको बताते हैं कि अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है, लेकिन इस पर गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। यहाँ बीच के ओवर में स्पिनर गेंदबाजों को सपोर्ट मिलता है। इस वर्ल्ड कप का यहाँ 5वां मैच खेला जाएगा। अब तक हुए 4 मुकाबलों में चेज करने वाली टीमों ने 3 बार और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है। यहाँ अब तक 30 वनडे मैच खेले गए हैं जिनमें 15 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और 15 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। फर्स्ट इनिंग में एवरेज टोटल 243 रन रहा है। यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 365 रन है जो साउथ अफ्रीका ने ही भारत के खिलाफ 2010 में बनाया था, और सबसे कम स्कोर 85 रन का है जो जिम्बाब्वे ने 2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। तो भारत ने अहमदाबाद में, तो दोस्तों आपको बताएं कि भारतीय टीम ने अहमदाबाद में 19 वनडे खेले हैं। 11 में भारतीय टीम को जीत मिली है और 8 में हार मिली है। तो दोस्तों आपको बताएं कि फाइनल मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, भारतीय कप्तान किन किन खिलाड़ियों को आज खिला सकते हैं फाइनल में, और आपको बता दें कि भारतीय टीम इस प्रकार रहेगी। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, भारत की प्लेइंग 11 यह रह सकती है फाइनल मैच के लिए। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है इसके बारे में भी आपको बता दें, पैट कमिंस कप्तान, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्स, स्टीव स्मिथ, मार्क लाबुसेन, जोश इंग्लिश विकेटकीपर हैं, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार, एडम जंपा और जोश हेजलवुड। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने क्रिकेट के सबसे बड़े फाइनल में जगह बना ली है। वनडे वर्ल्ड कप का ये मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 1,32,000 की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आज कौन फाइनल की जंग जीतता है और कौन हारता है। बने रहिए नई नई अपडेटों के लिए विश्व कप से संबंधित और क्रिकेट से संबंधित सभी अपडेटों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। और विश्व कप जीतने की अग्रिम शुभकामनाएं भारतीय टीम को देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।